हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं श्री रानिल विक्रमसिंघे जी, वो अभी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे हमारे देश के श्रीलंका के साथ में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे आने वाले समय में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया एंड श्रीलंका एग्री टू बूस्ट इकोनॉमिक और जो एनर्जी टाइज हैं उनको बूस्ट करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं, काफ़ी अहम फैसले लिए गए हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली कवर करके बताऊंगा। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, पेट्रोलियम पाइपलाइन और जो ब्रिज है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे के पूरी इस न्यूज़ के बारे में। और आप यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में जो रानिल विक्रमसिंघे जी हैं, आप उनको भी देख सकते हो। इंडिया श्रीलंका एग्री टू बूस्ट इकोनॉमिक एंड एनर्जी टाइज, ये लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर इस आर्टिकल को कवर किया गया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इंडिया और श्रीलंका है वो सहमत हो गए हैं इकोनॉमिक और एनर्जी टाइज को बूस्ट करने के लिए। इंडो श्रीलंकन टॉक्स, ट्रीटमेंट ऑफ तमिल्स, लैंड कनेक्टिविटी, ऑयल पाइपलाइन अमंग की टी एक्वेज, यानी कि काफ़ी अहम फैसले इसमें लिए गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को बस अंत तक जरूर देखना, तभी आपको ये पूरा का पूरा जो ये मुलाकात हुई है, जो ये टॉक हुई है, इसके बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे जी हैं, वो उनके 2 दिवसीय दौरे पर हैं भारत के अंदर। और शुक्रवार को उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की और दोनों नेशंस ने अनाउंस किया उनके एग्रीमेंट को, ताकि जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको इन्हेंस किया जा सके, ताकि और कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जा सके इन रिन्यूएबल एनर्जी, और एक्सप्लोर किया जा सके जो फिजिबिलिटी है ऑफ कंस्ट्रक्टिंग की एक ऑयल पाइपलाइन एंड लैंड ब्रिज की। इनके बारे में भी बातचीत हुई है बिटवीन टू कंट्रीज के। विक्रम सिंघे जी जिनकी 2 दिन की विजिट है भारत के अंदर न्यू दिल्ली में, ये मार्क करती है उनकी फर्स्ट विजिट जब वो प्रेसिडेंट बने हैं 1 साल पहले। और जो कि आपने देखा था, श्रीलंका के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस भी हुए थे और उस समय जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे उनको हटाया गया था, और उसके बाद में फिर विक्रम सिंघे जी वहाँ पे राष्ट्रपति बने, और उनकी ये पहली विजिट है भारत के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिमूवल हुआ था इनके प्रेडेसर का, वो एमिडेस्ट वाइड स्प्रेड जो प्रोटेस्ट हुए थे इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए श्रीलंका के अंदर, उसके बाद में विक्रम सिंघे जी वहाँ पे राष्ट्रपति बने और फिर अब उनकी ये फर्स्ट विजिट है इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्राइडे को इंडिया और जो श्रीलंका, उनके यहाँ पे डिसाइडेड किया गया है बातचीत के दौरान कि वो कैरी आउट करेंगे फिजिबिलिटी स्टडीज इस्टेब्लिश करने के लिए पेट्रोलियम पाइपलाइन और एक लैंड ब्रिज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को दोनों कंट्रीज के बीच में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे हैं, उन्होंने वाइड रेंजिंग बायलेटरल डिस्कशंस किए हैं, जिसके अंदर इंक्लूड है ऑयल पाइपलाइन, फेरी कनेक्टिविटी, यूपीआई, ट्रेड इन रुपीज, अ पॉसिबल लैंड रूट एंड इंक्रीज्ड एयर कनेक्टिविटी अमंगस्ट अदर थिंग्स, यानी कि काफ़ी कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी थिंग्स हैं इन टॉक्स के अंदर कवर की गई हैं। और इनमें मेनली जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि ऑयल पाइपलाइन, फेरी कनेक्टिविटी और मेनली दोस्तों यूपीआई और ट्रेड इन रुपीज़, यानी कि श्रीलंका में भी अब रुपीज़ से ट्रेड किया जाएगा, और पॉसिबल लैंड रूट श्रीलंका के लिए, और एयर कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना, ये थिंग्स हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत यहाँ पे की गई है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, हमने आज एक विजन अडॉप्ट किया है, विजन डॉक्यूमेंट जो कि हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए है, और ये विजन स्ट्रेंथन करेगा मैरिटाइम, एयर, एनर्जी एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बिटवीन द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच में। और जो ये विजन है ये एसिलरेट करेगा म्यूचुअल कोऑपरेशन को टूरिज्म के अंदर, पावर के अंदर, ट्रेड के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर एंड स्किल डेवलपमेंट में। और ये विजन इंडिया के लिए लॉन्गेस्ट टर्म में आने वाले समय में जो कमिटमेंट है टुवर्ड श्रीलंका, ये भी दोस्तों ये विजन है
जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट टर्म कमिटमेंट है श्रीलंका के लिए। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है, और विक्रम सिंघे जी के द्वारा भी यहाँ पे कहा गया है कि जो उनकी विजिट है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की है एक अपॉर्चुनिटी रिव्यू करने के लिए हमारी बायलेटरल रिलेशनशिप को, एंड लिवरेज करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ जियोग्राफिकल एंड सिविलाइजेशन लिंक्स को, और रेनफोर्स करने के लिए ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को फॉर आवर फ्यूचर प्रोस्पेरिटी के लिए मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। यानी कि उन्होंने ये बताया है कि ये उनकी काफ़ी ज़्यादा अहम इंपॉर्टेंट विजिट है, जिसके अंदर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम भारत के साथ में जो रिलेशनशिप है उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जा सके, काफ़ी जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है वो डेवलप किया जा सके फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में जो प्रोस्पेरिटी है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर उसके लिए। दोस्तों उन्होंने रिमार्क्स के अंदर मीडिया को बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि जो श्रीलंका है उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है बोथ इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है एंड सागर विजन है उसके अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि श्रीलंका की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना वजूद रखता है इन दोनों पॉलिसीज़ के अंदर, और आज हम शेयर कर रहे हैं अपने व्यूज़ को ऑन बायलेटरल रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर, और हम बिलीव करते हैं कि जो ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट है एंड डेवलपमेंट है ऑफ इंडिया का एंड श्रीलंका का, ये इंटरवाइंड है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये अभी बताया है कि इंक्रीजिंग द एयर कनेक्टिविटी बिटवीन द टू नेशन, यानी कि जो एयर कनेक्टिविटी है दोनों नेशंस के बीच में उसको इंक्रीज किया जाएगा, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो बोथ द कंट्रीज हैं उन्होंने डिसीजन लिया है स्टार्ट करने का पैसेंजर फेरी सर्विस बिटवीन द नागापट्टिनम इन तमिलनाडु एंड कनेक संतूरी इन श्रीलंका, कनेका संतूरी इन श्रीलंका, इन दोनों के बीच में यहाँ पे सर्विस शुरू करने का डिसीजन भी लिया गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया ने श्रीलंका की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी क्राइसिस के दौरान। दोस्तों पिछले साल जब श्रीलंका के अंदर सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैरसिटी हो गई थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, फॉरेक्स रिजर्व की, जिसने काफ़ी ज़्यादा चैलेंज खड़ा कर दिया था श्रीलंका के लिए कि जो फाइनेंस एसेंशियल इंपोर्ट्स थे इंक्लूडिंग फ्यूल और मेडिसिंस थी वो भी इंपोर्ट नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कार्सिटी हो गई थी फॉरेन एक्सचेंज की, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। पिछले साल जब श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था उस समय इंडिया ने सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट किया श्रीलंका का, ऑफर किया अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन असिस्टेंस के रूप में, और ये एड इंक्लूड थी इसके अंदर लाइन्स ऑफ क्रेडिट जो कि एनेबल्ड करता है श्रीलंका को परचेज करने के लिए असेंशियल कमोडिटीज सच एज फूड एंड फ्यूल। इंडिया ने सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया हेल्प करने में श्रीलंका की, और ओवरकम करने में जो श्रीलंका की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी उनको ओवरकम करने में इंडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया गया। विक्रम सिंघे जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया उनके एक्सटेंडिंग सपोर्ट के लिए इन द टाइम ऑफ क्राइसिस के समय जो भारत ने मदद की उसके लिए, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद किया, और उन्होंने ऐड किया कि पीएम मोदी एंड आई हम दोनों बिलीव करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी प्रोजेक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन है फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका, ये इंश्योर करेगा एक अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज टू श्रीलंका। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आई थैंक पीएम मोदी एंड द इंडियन गवर्नमेंट जो यहाँ पे इनको इनवेल्युएबल सपोर्ट किया गया जब श्रीलंका क्राइसिस के समय जूझ रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था उस समय जो भारत ने मदद की, भारत सरकार के द्वारा मदद की गई, पीएम मोदी जी के द्वारा जो मदद की गई उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जो ये विजिट है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि एक सीनियर श्रीलंकन लीडर जिन्होंने विजिट किया है इंडिया में सिंस जो श्रीलंका ने एक्सपीरियंस किया था सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस लास्ट ईयर, उसके बाद में ये पहली विजिट है सीनियर श्रीलंकन लीडर की भारत के अंदर, इसलिए दोस्तों ये विजिट भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम फैसले भी लिए गए हैं। उनके अराइवल पे विक्रम सिंघे जी का वार्मली वेलकम किया गया बाय श्री वी मुरलीधरन जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के, और उन्होंने वहाँ पे अपने जो उनका काफ़ी आदर सत्कार किया, हॉस्पिटैलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट शेयर की बिटवीन द टू नेशंस के बीच में। और दोस्तों एडिशनल में न्यू दिल्ली
जो कि असिस्ट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ ए पोर्ट में एंड इकोनॉमिक हब बनाने में इन त्रिंकोमली। त्रिंकोमली जो एक सिटी है लोकेटेड है श्रीलंका के नॉर्दर्न ईस्ट कोस्ट पे, वहाँ पे एक पोर्ट और इकोनॉमिक हब बनाने में भी जो न्यू दिल्ली है वो असिस्ट करेगा श्रीलंका की, यानी कि भारत मदद करेगा। फर्दर मोर जो लीडर्स हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया उनकी कमिटमेंट टू स्विफ्टली कनेक्ट देयर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एंड एसेस करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आ पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए और एक लैंड ब्रिज बनाने के लिए बिटवीन द टू कंट्रीज, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर यानी कि 31 माइल्स होगा अपार्ट एट अ पॉइंट। ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ द साइड्स एस्टिमेट किया कि जो प्रोजेक्ट है कनेक्ट करने के लिए पावर ग्रिड्स थ्रू अंडरसी केबल्स के एंड जो बनाया जाएगा ऑयल पाइपलाइन, ये कॉस्ट करेगा अराउंड 4 बिलियन US डॉलर्स टोटल में। और फ्यू डिटेल्स भी प्रोवाइड की गई रिगार्डिंग एग्रीमेंट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और भी डिटेल्स वार्तालाप की गई। विक्रम सिंघे जी ने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि जो कंस्ट्रक्टिंग एक मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन है फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू श्रीलंका, ये इंश्योर करेगी एक रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी सप्लाई फॉर श्रीलंका के लिए। जो दो कंट्रीज हैं उन्होंने रिपोर्टेडली ऑल्सो प्लान किया कि रिज्यूम करने के लिए नेगोशिएशंस ऑन वन मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको जाना जाता है नोन एज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। लास्ट ईयर जब साउथ एशियन नेशन जो कि डिफॉल्ट हो गया था ये और इसके फॉरेन डेबिट पे श्रीलंका, एंड उस समय इंडिया ने अलोंग विद जापान एंड अदर पेरिस क्लब मेंबर्स के साथ में इस्टेब्लिश किया एक कॉमन प्लेटफॉर्म असिस्ट करने के लिए कंट्री की इन रिस्ट्रक्चरिंग इट्स डेबिट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, और इसके अंदर भी इंडिया एक सिग्निफिकेंट क्रेडिटर के रूप में रहा श्रीलंका के लिए, जहाँ पे इंडिया ने आउटस्टैंडिंग डेब्ट अमाउंट दिया, जो श्रीलंका को अमाउंट दिया गया इंडिया के द्वारा वो 1.9 बिलियन US डॉलर। दोनों लीडर्स के द्वारा जो रिस्पेक्टिव ऑफिशियल्स हैं उनको डायरेक्ट कर दिया गया है, उनको ऑर्डर्स दे दिए गए हैं जो कि कंसर्न होंगे इन रियलाइजेशन ऑफ जो ये शेयर्ड विजन किया गया है इसके रियलाइजेशन में, इसको एक्सपेडिटेट करने के लिए जो भी ऑफिशियल्स कंसर्न हैं उनको ऑर्डर दिए गए हैं, जो कि ये विजन है ये सिर्फ इम्पार्ट नहीं करेगा लॉन्ग टर्म डायरेक्शन एंड सिग्निफिकेंट मोमेंटम टू दिस जो बायलेटरल कोऑपरेशन है फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए बोथ कंट्रीज में एंड वाइडर रीजन में, बट ये एक सेट ऑफ करेगा फ्यूचर डायरेक्शंस को भी ऑफ डायनेमिक इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशनशिप को भी, फ्यूचर में आने वाले समय में ये सेट करेगा, यानी कि आने वाले समय के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और भारत और श्रीलंका के रिश्ते इन सभी प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। और फाउंड जो कि ये बने हैं फाउंडेड ऑन इन हैंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट के ऊपर, ये जो यहाँ पे विजन है ये शेयर किया गया है, जिससे आने वाले समय में भारत और श्रीलंका के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।